हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग सब? आप लोग तो अच्छे ही होंगे। विश प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहो और मेरा ब्लॉग देखते रहो। लाइक शेयर ज़रूर करना। और मैं फ़िलहाल अभी अच्छी नहीं हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों को जो मेरा ब्लॉग वीडियो हमेशा देखते हैं उनको पता है। तो ये 4:30 का टाइम है। हमारे गलियों में तो अब धूप ख़त्म हो गई, चली गई, क्योंकि सबके ऊंचे-ऊंचे घर हैं, बिल्डिंगें बनी हुई है, तो धूप नहीं पता चलता गलियों में। तो फिर ये खुला ग्राउंड है, यहाँ पे पूरा धूप रहता है। शाम के जब तक सूर्य देवता अस्त ना हो जाए यहाँ धूप रहता है। तो मैं भी दो दिन से आ जा रही हूँ यहाँ पर। दोपहर को खाना वाना खा के दवाइयाँ खाती हूँ तो मन कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं यही टहलने के लिए अभी आ रही हूँ। पहले टहलती थी, फिर बीच में ठंड की वजह से बंद कर दी थी, अब फिर से स्टार्ट कर दी। अभी 2-3 दिन से धूप अच्छी निकल रही है, वही 12 बजे के बाद हमें धूप का पता चलता है। तो इतना धूप दोपहर के टाइम में तो बिजी होती नहीं ले पाती, तो अब मैं शाम के टाइम में यहाँ आ जा रही हूँ। ये ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट ग्राउंड बोला जाता है। ये हमारे घर से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने बेटे को लेकर आ गई, दोनों बेटियां ट्यूशन गई हुई थी, तो मैं भी यहां आ गई, थोड़ा टहल लेती हूं, घूम लेती हूं, और बेटा खेलता रहता है तो उसे भी देखती रहती हूं। वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो कहां जाएगा। तो मैं आ जाती हूं, वो अपना अकेले अकेले ऐसे दौड़ रहा है, साइड में बच्चे बहुत खेल रहे हैं, वो खेल ले रहा अपना। बोली चलो आप लोगों से बात कर लूँ। आज रेसिपी तो कुछ खास नहीं बनाई, तबीयत सही नहीं, इतना झुकना पड़ रहा, तो नॉर्मल खाना ही बनाई थी, तो मैं क्या शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। वैसे आज पालक दाल चावल और सोयाबीन फ्राई बनाई थी, बस मैंने नहीं शेयर किया। फिर मैं आ गई तो बोले चलो अपने दोस्तों से कुछ बात कर लूँ, उनको हमेशा मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो जो भी कुछ है जो करती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। देखो जितनी एज नहीं है उतनी सर्दियों में लगता है कि कितना वो जो शॉल वॉल ढक लेने से लगता है कि कितने एज की आंटी जी बन गई हूँ। हाँ, पर सर्दियों में ना केयर करना पड़ता है, ढक वक के शॉल वॉल ओढ़ कर हमेशा रहना पड़ता है। और डॉक्टर ने तो मुझे बोले भी है डॉक्टर कि हमेशा आप शॉल ढक के, पीठ की तरफ हमेशा शॉल ढक के रहना, इनर एक स्वेटर एक शॉल टोपी जूते सारे कुछ हैं सर्दियों से बचने के लिए। देखो शाम के टाइम का है ये टाइम, 7 बजे का टाइम है, और सब कोई अपने घर के बाहर ही, अंकल आंटी भी आग सेक रहे हैं, और हमारे घर के नीचे भी, मतलब गलियों में 3-4 जगह सब कोई आग का सहारा ले रहे हैं। तो मैं भी अपने छत पे, खुले छत पे आग सेक रही हूँ और आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रही हूँ। तो आइए बाकी की बातें देखते हैं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। हाय हेलो, मैं भी आग सेक रही हूँ। ये है थोड़ा ऐसे करके बैठी हूँ पर आग सेक रही हूँ, और इतनी ठंड है ना, बहुत राहत मिलता है। घर में जितना भी हीटर हो, और वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लोवर वो भी है, सब है, पर जब तक ये नेचुरल चीज़ है ना, ये जब तक लकड़ी वाला आग से ना सेक लो ना, तब तक ठंडी लगती ही रहती है। तो मैं भी सेक रही हूँ ये अपने छत पे, बच्चे रजाई के अंदर रूम हीटर में बैठे हैं, और मुझे तो ये देसी लोगों को देसी चीज़ पसंद आती है। चाहे जितना भी आप कहीं भी रह लो, जितना भी स्टैंडर्ड रह लो, पर जो क्या बोला जाए उसको, जो देसी चीज़ है, जिसकी आदत है हमें बचपन से, वही चीज़ हमें अच्छा लगता है ना जी, है ना दोस्तों। अभी हस्बैंड आए नहीं ड्यूटी से, आ रहे होंगे, आएंगे तो वो भी छत पे ही बैठ के थोड़ा आग सेकेंगे, पानी वानी चाय नाश्ता जो शाम का होता वो करेंगे, फिर नीचे जाऊंगी। अभी आधे एक घंटे तक मैं छत पे हूँ, देखो ये मेरा छत है, मैं इसके नीचे छज्जे के नीचे बैठी हूँ और आग सेक रही हूँ, थोड़ा सेक लगाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे हर वक्त शॉल ओढ़ कर रहने के लिए बोला है, ठंड नहीं लगनी चाहिए मुझे, तो दो तीन स्वेटर है उसके ऊपर, फिर भी एक शॉल ढकी हुई रहती हूँ, तो ठीक है, और क्या बोलूँ।
चलो ठीक है, बाय बाय, एंजॉय करो, हैप्पी सर्दी, कल त्यौहार है, देखती हूँ कल का मैं क्या कर पाती हूँ, बाय बाय।